फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज के वीडियो में मैं अपना लोशो ग्रिड के आगे के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि जब हमने लोशो ग्रिड के बारे में बात करी थी तो मैंने बताया था कि ये 9 स्क्वायर स्मॉलर स्क्वायर से मिलकर बनता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें आप फिट करके देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इनबॉर्न है, जो हमें शुरू से मिली है। बिकॉज नंबर्स जो है वो ऑलवेज उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। गॉड ऑलवेज स्पीक्स इन नंबर, तो कहीं ना कहीं नंबर्स का इम्पैक्ट बहुत है हमारी लाइफ के ऊपर। अब जो बाय बर्थ है वो हम नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें बाय बर्थ मिले हैं, पर उनसे हमें क्या मिला है आज हम ये सीखेंगे कि कौन से प्लैनेट की वजह से क्या है और कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है किस प्लैनेट को। तो बात हम शुरू करेंगे 4 से। अब 4 किसे रिप्रेजेंट करता है, मैं साथ के साथ आपको ये भी दिखाने लगी हूँ कि ये स्क्वायर है जिसमें फर्स्ट जो ऊपर है सबसे पहले 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6 है। अब 4, 5, 6 जो है जिसे गोल्डन लाइन कहते हैं और 2, 5, 8 है जिसे सिल्वर कहते हैं। एक गोल्डन और सिल्वर है जिनका बहुत इम्पैक्ट है, अदरवाइज हम इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों साइड से अगर हम चेक करते हैं तो इसका टोटल जो है वो 15 ही आता है। अब हम 4 को देखें तो 4 किसे रिप्रेजेंट करता है, 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेटरी उसमें 4 जो है वो इज रूल्ड बाय राहु, 9 इज रूल्ड बाय मार्स और 2 जो है वो रूल होता है मून के साथ, 3 रूल होता है जुपिटर से, 5 रूल होगा मरकरी से, 7 रूल होगा केतु से, 8 रूल होगा सैटर्न से, 1 रूल होगा सन से और 6 रूल होगा वीनस से। अगर हम अभी इसमें समझने वाली बात देखो कैसी है कि 4, 9, 2 अगर पहला स्क्वायर है तो अगर हम 4, 9, 2 को पढ़ते हैं तो ये बहुत इंटेलिजेंट और मेंटली बहुत स्ट्रांग है जिसका ये 3 जो लाइन कंप्लीट होती है 4, 9, 2 की। और 3, 5, 7 वाले इमोशनली बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं क्योंकि इसमें देखिए दो चीजें आ गई, 3 भी और 7 भी। 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। वो ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी और अल्टीमेटली एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। स्पेशली केतु को भी एनलाइटमेंट के लिए कहा जाता है अपने पास्ट लाइफ को भी सारा कम्प्लीट करके। 8, 1, 6 मटीरियल के हैं, मटीरियल यानी मनी और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले। तो वो लोग जो 8, 1, 6 को कम्प्लीट करते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाते हैं और मनी को भी मटीरियलिस्टिक गेम्स जो है उनके बहुत ज्यादा हो सकते हैं और हो जाते भी हैं। अब हम आगे इधर से देखते हैं, अगर हम इसको वर्टिकली देखते हैं तो 4, 3, 8 है जिसको कि थॉट प्रोसेसेस इन लोगों के बहुत स्ट्रांग है 4, 3, 8 की वजह से और बड़ी ज्यादा इनमें पावर है अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करने की। 9, 5, 1 में विल पावर बहुत है, डिटर्मिनेशन बहुत है। 2, 7, 6 में एक्शन लेने की ताकत है। हम कोई भी बात सोचते हैं, हमने डिटरमाइन कर ली, हमने सोच ली, हमने अपने थॉट को स्ट्रांग कर लिया, पर जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो एक्शन लेने की, अपने सोची हुई बातों पर एक्शन लेने की बहुत जरूरत पड़ती है। एक्चुअली हमें सब कुछ ही चाहिए। तो अब जो मिसिंग नंबर है वो कैसे हम बना सकते हैं, इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट छोटी सी जरूर करूंगी, वो ये है कि आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली है क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आए हैं कि आपने लोशो ग्रिड बताया है और मैनिफेस्टेशन का एक वीडियो भी मैंने डाला, तो मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली है। पर प्लीज फ्रेंड्स इसे जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मेरे मन में भी आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की फीलिंग है। दूसरी बात ये है जो मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि ये वीडियो तो मैंने अब आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या मेन इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से आप अपने प्लैनेट को कौन से किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ। प्लैनेट्स के लिए मैंने बता दिया है आपको और ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम अपने इसमें फिट करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो हमें पता हो कि हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, हम इमोशनली कहाँ डाउन हो सकते हैं, हमारे प्रैक्टिकल जो फीलिंग्स है वो कैसे है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं आपको आपके पार्टनर के साथ कैसे मैच हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है तो भी, क्योंकि चाइनीज तो इसी लोशो ग्रिड से ही मैच मेकिंग कर देते हैं। तो जो नंबर किसी में मिसिंग है वो उसके पार्टनर में अगर आ जाता है तो वो इसे बहुत अच्छा मैच मानते हैं। कितनी अच्छी बात है ना फ्रेंड कि अगर हमारे में एक नंबर मिसिंग है हम अपने सामने वाले पार्टनर से वो ले लेते हैं तो वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है जो बहुत स्ट्रांग पैकेज है। और मैरिज में इससे स्ट्रांग कोई बात नहीं हो सकती कि कोई नंबर किसी में हो और कोई नंबर किसी में हो, तो जो आप में कमी है वो आपको आपका पार्टनर पूरा कर दे।
आपके पार्टनर में कमी है वो आप पूरा कर लें। कितनी अच्छी एक्चुअली पार्टनरशिप है लव लाइफ की और अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए भी। अब इसी तरह कई कई बार बच्चे भी वो कमी पूरी कर लेते हैं, आपके बड़े बच्चे छोटे बच्चे में से कोई एक बच्चे के साथ आपकी बहुत एफिनिटी हो जाती है क्योंकि वो नंबर जो मिसिंग नंबर्स है वो पूरे हो रहे हैं। मैंने आपको मिसिंग नंबर डालना बता दिया, अब मैं आपको एक मेन जो बेस है ना वो लेवल का जो मैं बता नहीं पाई थी पिछली बार जल्दी जल्दी में, वो मैं आपको बताया है कि कौन से लेवल पर क्या है, मेंटल है, इमोशनल है, प्रैक्टिकल है या स्पिरिचुअल है, इधर से थॉट्स है, विल पावर है, एक्शन है। जो मेन बात है ना वो समझो कि ये फाइव एलिमेंट से गुण होता है कि पांचों एलिमेंट, पांच एलिमेंट कौन कौन से हैं, वुड, अर्थ, मतलब जो हमारी हिंदू संस्कृति भी कहती है वही ऑलमोस्ट चाइनीज संस्कृति भी कहती है कि पानी हो, मतलब कि जल हो, वायु हो, भूमि हो और फिर उसके बाद वुड हो जिससे कि फायर एलिमेंट जिससे क्रिएट होता है, और यही फिर वही जो आपके पांच मेन तत्व हैं वही के वही पांच मेन तत्व उसमें आते हैं। अब आप देखें कि वुड है आपका, अगर आपके लोशु चार्ट में आप अपना चार्ट खुद बना रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप अपना बना सकते हैं और अपने बारे में आप पता चलेगा आपको क्या चाहिए, किस चीज की कमी है और उस कमी को पूरा करके हम इसमें से मैक्सिमम सक्सेस ले सकते हैं। जैसे अब वुड है, अर्थ है, वाटर है, फायर है और पांचवी चीज है मेटल। मैं एक ना दिवाली पे भी एक उपाय हमेशा बताती हूँ सबको कि ये पांचों तत्वों को हम यूज करें कि एक बाउल में अगर आप क्रिस्टल का एक बाउल ले रहे हैं उसके अंदर आप पानी डालते तो पानी भी हो गया, क्रिस्टल बाउल भी हो गया, बाहर की एयर भी होगी, उसके अंदर कैंडल फिट करें और अग्नि भी हो गई, तो ये पांचों, और उसमें कहीं भी मेटल के कुछ पीसेस डाल दीजिए जैसे कोई नेल मतलब कील के पीस डाल दो या अगर आपने कांच डालनी है तो कोई चूड़ी तोड़कर डाल दो, तो वो अगर आप मतलब ये पांचों के पांचों आपके जो तत्व पूरे हो जाते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि इससे जो इक्विलिब्रियम बनता है एटमॉस्फेयर में अपने आसपास उससे बड़ा इक्विलिब्रियम कोई है ही नहीं लाइफ में। हमने इन्हीं तत्वों को बैलेंस करना है। तो ये तत्व कैसे हैं? वाटर से हम वुड से शुरू करते हैं। वुड जो है वो ग्वान करता है थ्री और फोर नंबर को। अगर आपके चार्ट में थ्री और फोर नंबर नहीं है तो आप ये सोच लीजिए कि आपको वुड जो तत्व है वो आपका मिसिंग है। अगर वो मिसिंग है तो उसे पूरा कैसे करेंगे, मैं साथ ही साथ आपको सब बता रही हूँ, अगली बारी में कुछ और बता दूंगी, कोई मुझे ये नहीं है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना है, आप पूरा सीखिए आराम से। जैसे वुड है थ्री और फोर नंबर है, अगर ये मिसिंग हो गया आपके आपके लोशु चार्ट में तो आपको क्या करना है, अपने आसपास ग्रीनरी को बढ़ाना है, वुड को बढ़ाना है। वुड कहाँ से आता है? ट्री से आता है, और ट्री जैसे ट्रीज हो, बहुत सारे प्लांटेशन कर लो अपने आसपास, श्रब्स हो, पॉटेड प्लांट्स हो, ट्रीज हो, ग्रास हो, फर्नीचर भी ऐसा हो जो वुड का ही हो और उसमें मार्बल कम हो, इस तरह के ऑर्नामेंट्स भी ऐसे हैं जो वुडन ऑर्नामेंट्स हैं, तो ये क्या होगा और इससे बढ़ेगा क्या आपकी लाइफ में? थ्री और फोर के मिसिंग होने से आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मिस हो रहा है क्रिएटिविटी का पोर्शन। वो क्रिएटिविटी का पोर्शन आप इससे बना सकते हैं। तो क्या बात हो गई वुड से, थ्री और फोर को मिसिंग नहीं होने देना। हमने इनको कैसे पूरे करना है वो भी मैंने बता दिया, और इसके पूरा होने से होगा क्या, आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी, तो है ना मजेदार बात। अब आगे बात करते हैं फायर एलिमेंट। अगर आपकी लाइफ में आपके लोशु चार्ट में नाइन नंबर कंप्लीट नहीं हो रहा तो मार्स का ग्वान नंबर है, फायर का ग्वान नंबर है, तो आप फायर एलिमेंट आपका मिसिंग है। अब आपका फायर एलिमेंट मिसिंग है तो आप क्या ब्राइट ऑब्जेक्ट्स लो अपने आसपास, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकलती हो, कुछ ऐसे आते नहीं है जैसे ऐसे कुछ ऐसे लड़ियां सी आती हैं बिजली की जिसमें लाइट ऐसे टिमटिम कर रही होती है, आप कोई अपने जहां आप काम करते हैं वहां पर जीरो वॉट का रेड कलर का बल्ब लगा दो या व्हाइट बल्ब लगा दो, तो कुछ भी ऐसा बल्ब लाइट को अगर आप ओरिजिनेट करते हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को ओरिजिनेट करते हैं तो वो फायर एलिमेंट को कंप्लीट कर देगा। वैसे रेड बहुत जरूरी है क्योंकि रेड रिलेट करता है फायर से, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या मिसिंग था और क्या होगा, नाइन की वजह से मार्स रूल नंबर है इसलिए आपकी लाइफ में एंथुसियास्म मिसिंग होगा, एक्साइटमेंट मिसिंग होगी, मोटिवेशन मिसिंग होगी,
तो आपने अपनी लाइफ में अगर 9 नंबर लाना है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एंथुजियाज्म आ जाएगा, एक्साइटमेंट आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगी, एक जस्ट डू वर्क आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप फायर एलिमेंट को बढ़ा लीजिएगा। अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट को बर्न करते हैं 8, 5 एंड 2। अब 8 नंबर मिसिंग हो, 5 नंबर मिसिंग हो और 2 भी मिसिंग हो, अगर तीनों ही मिसिंग है, वैसे तो ऐसे एक आधा मिसिंग होता है कोई बात नहीं, तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है सप्लीमेंट कर, लेकिन अगर तीनों ही मिसिंग है, 8, 5, 2 तीनों ही मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ से अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। अगर वो एलिमेंट ही मिसिंग है तो उसकी वजह से आपको अपने आप को सराउंड करना है किस चीज से, ग्राउंड से, क्वार्ट्स क्रिस्टल से। पर्टिकुलरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड आ रही है तो आपको क्वार्ट्स की चीजें, हम बहुत सारे क्रिस्टल नहीं लटकाते, क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स के विंड चाइम्स भी क्रिस्टल की होती हैं, और हम वैसे भी क्रिस्टल्स रख सकते हैं, क्रिस्टल के इतने ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वॉसेस मिलते हैं, और इतने सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो क्रिस्टल के हैं, हर किसी के घर में होता है, तो आप क्रिस्टल को इंक्रीज कर सकते हैं, अर्थ एलिमेंट आ जाता है। जब मैंने आपको अभी दिवाली के लिए जो उपाय बताया था उसमें मैंने आपको कहा ना कि आप क्रिस्टल का एक वॉस लीजिए, तो वो वुड, वो अर्थ के एलिमेंट के लिए है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो क्वार्ट्स, नीचे क्वार्ट्स आता है, अर्थ के अंदर से आता है, तो आप जो है अर्थ एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। ये 8, 5, 2 की वजह से होता है, और इसमें कमी क्या होगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, एबिलिटी टू रीच वन्स गोल नहीं होगा। तो अगर आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपका 8, 5, 2 मिसिंग है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो क्वार्ट्स के क्रिस्टल की हैं अपने आसपास रखनी है, और अर्थ के जो एलिमेंट है उसको अपनी लाइफ में बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे मेटल की। अगर आपकी लाइफ से 6 और 7 मिसिंग है तो आपकी लाइफ में से मेटल एलिमेंट मिसिंग है, और आप अपनी लाइफ में से मेटल एलिमेंट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर को, मटेरियल कम हो जाता है ना 6 की वजह से, क्योंकि मटेरियल की लाइन में 6 है। अब आपको क्या है, पैसा कम हो जाएगा तो मजा नहीं आता ना मनी, क्योंकि वैसे भी वीनस रूल्ड है 6 नंबर, तो अब आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ में मैक्सिमम मेटल को बढ़ाइए, मेटल यानी कि गोल्ड और सिल्वर। आप ब्रेसलेट डाल सकते हैं गोल्ड सिल्वर के, आप रिंग्स डाल सकते हैं गोल्ड सिल्वर की, आप गले में गोल्ड सिल्वर डालने लगे, आपका मटेरियल अपने आप बढ़ने लग जाएगा। तो अब जो आजकल हम बहुत कम डालते हैं ये चीजें, तो आप कोई भी एक चीज आप वेयर करनी शुरू कर दो, आइदर बैंगल्स, रिंग्स या नेकलेस या इयर रिंग, इस तरह के गोल्ड या सिल्वर के, तो ज्यादा प्रेफरेबली अगर आप मेटल की चीजें करेंगे, या आप वैसे भी नॉर्मल मेटल की बहुत सारी आती है ना चूड़ियां आती हैं, आप वो भी लेके डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और इससे क्या होगा, एबिलिटी टू स्टैंड ऑन वन फीट, क्योंकि मटेरियल पैसा ही है जो हमें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत देता है, और अगर ये नंबर मिसिंग होंगे तो फिर हम ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये करना है, तो मेटल को इंक्रीज कीजिए, अच्छा रहेगा। अब रह गया वॉटर। पांचवों में से हमने वुड की बात कर ली, फायर की बात कर ली, अर्थ की बात कर ली, मेटल की बात कर ली, अब रह गया वाटर। अब वाटर के लिए क्या करना है, वाटर अगर आपकी लाइफ में 1 नंबर मिसिंग है, आजकल जो 2000 के बाद जितने भी 21st सेंचुरी के बच्चे हैं उनमें 1 नंबर बहुत लोगों में मिसिंग होगा, तो अगर आपकी लाइफ में 1 नंबर मिसिंग है तो सन ही मिसिंग हो गया, सन का नंबर है रूल्ड, और अगर वो है तो आपको क्या करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ बहुत अजीब सी हो जाएगी, यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, क्योंकि आप या तो बहुत डिक्टेटरशिप दिखाएंगे या आप बिल्कुल ही अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं करेंगे, रिलेशनशिप्स में इश्यूज रहेंगे, और आप अपने मन की बात जो है वो बता नहीं पाएंगे। तो इस केस में आपको वॉटर ही एलिमेंट को अपने आसपास रखना है, एक्वेरियम्स के रूप में रख सकते हैं, पॉन्ड्स के रूप में रख सकते हैं, घर में इस तरह के कुछ ऐसे लोटस से लगा सकते हो, लोटस तो ऐसे 6 नंबर देता है, बट अदरवाइज आप कर सकते हो, और इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, और 1 नंबर आप नॉर्मली वाटर को वैसे ही बढ़ा दो, पानी ज्यादा पीने लग जाओ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर्स में पानी के कोई फुहारे लगा दो, मतलब फाउंटेन लगा दो, और आप आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं फाउंटेन्स घर में, एक्वेरियम्स रख दो, या अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो ऐसे कोई लेक या ओशियन की फोटो की कोई भी ऐसे अपने बैक साइड पे कुछ भी ऐसे लगा दो, या अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा दो, कोई भी पेंटिंग लगा दो जिसमें लेक का व्यू है, जिसमें ओशियन का व्यू है, तो एक हिसाब से आप पानी को देखते रहेंगे तो आपकी क्योर, मतलब ये जो 1 नंबर की मिसिंग है वो क्योर हो जाएगी,
और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको याद करा दूं कि नेक्स्ट मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर में क्या मिसिंग है जो आप फुलफिल कर रहे हैं उनका, और ये भी देखना है कि आप में क्या मिसिंग है जो आपका पार्टनर शायद आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो फिर आप उससे कैसे लेंगे वो भी मैं बताऊंगी कि नेम के साथ कैसे आप चेंज ले सकते हैं और कैसे अपने नंबर्स को, मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। थैंक यू सो मच।